ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। स्टॉक बनाएगा करोड़पति या रोड़पति, चलिए जानते हैं कौन सा है स्टॉक, क्या है इसके फंडामेंटल, क्या है इसके टेक्निकल। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला आइकन है उसे जरूर दबा लीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक्सेलेंट क्वालिटी का स्टॉक है, एक्सेलेंट क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसके सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 17.96, आप इसकी ईबीआईटी ग्रोथ देख लीजिए 23.80%, आप इसके नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए 0.39, जो कि हालांकि एक से कम है, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसके प्लेज शेयर देख लीजिए 0, यानी कि एक भी शेयर कंपनी ने गिरवी नहीं रखे है। वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड करा है, जो भी वैल्यू 366 के अबव होगी ये इसको वेरी एक्सपेंसिव में कैटेगराइज करेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 33.31%, आप इसकी ईवी टू इबिटा रेशियो देख लीजिए 16.17%, एक बेहतरीन ईवी टू इबिटा रेशियो है। आप इसकी डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.74%, आप इसकी आरओसीई देख लीजिए 21.77, आप इसकी आरओई देख लीजिए 20.02%। आरओई और आरओसी दोनों बढ़िया है, दोनों 20 के ऊपर है, जो कि एक बढ़िया बात है इस कंपनी में। अब हम इसके रिटर्न प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। आप इसका पिछले 10 साल का रिजल्ट देख लीजिए, पिछले 10 साल में 2376% का एक बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है। हालांकि पिछले 2 साल से लगातार गिर रहा है, फिर भी इसने पिछले 10 साल में 2376 का एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। अब इसके पिछले 5 साल का रिटर्न देख लीजिए 305%, जो भी एक बढ़िया रिटर्न है। अब इसके पिछले 3 साल का रिटर्न देख लीजिए नियर अबाउट 60%, जो भी एक अच्छी बात है। पिछले 2 साल से लगातार गिर रहा है, क्योंकि ये जिस सेक्टर में है ये सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, इसलिए इसने पिछले 2 साल के रिटर्न भी खराब कर दिए। हालांकि आज एक बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये क्या है अभी इसका कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते, कहां तक गिरेगा कहां तक जाएगा वो तो हम टेक्निकल पे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अब हम इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कहे कि क्या यार ये सब रेट तो दिख रहे हैं, क्या इसमें बात करना। अरे भाई रुक जाओ, पहले पूरा फंडामेंटल टेक्निकल तो देख लो, बाद में बोलना। आप मेरे को कमेंट करके बताना, आप अगर किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो क्या इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना छोड़ दोगे या इन्वेस्ट करोगे। आप मेरे को ये बात कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। नेट सेल्स जो कि एक डाउन साइड दिख रही है हमको 6% की, आप इसकी नेट प्रॉफिट देख लीजिए 24.98, नियर अबाउट 25% की नेट प्रॉफिट में डाउन साइड आ गई है। आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक हल्का सा 1% की डाउन साइड दिख रही है। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक पूरे ईयर का रिजल्ट होता है अगले ईयर से कंपैरिजन में। आप इसके नेट सेल्स देख लीजिए, जो कि एक बढ़िया अपसाइड दिख रहे हैं 20.71% की। आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए 8.02% की, पिछले ईयर से इस ईयर की एक बेहतरीन जंप आई हुई है। आप इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जो कि भी एक बहुत बढ़िया जंप है 1.48% की। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर ने अपने पास एक बेहतरीन होल्डिंग रखी हुई है, जो कि है 57.4% की। आप इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए 12.3% की, एक बेहतरीन होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी है। आप इसमें FIS की होल्डिंग देख लीजिए 50.92% की, एक बेहतरीन होल्डिंग है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था प्लेज शेयर का कोई चक्कर नहीं है, कंपनी ने कोई भी अपने शेयर गिरवी नहीं रखे। चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है, कौन सी इंडस्ट्री को ये बिलोंग करता है, किस किस प्रोडक्ट की रेंज इसके पास अवेलेबल। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हालांकि लाइक कॉमेंट करना तो आप बिल्कुल भूल ही गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो हर रोज हम हर दिन लाते रहते हैं।
टीवीएस मोटर। हाँ, अब तक हम टीवीएस मोटर के बारे में बात कर रहे थे, जो अपनी इंडस्ट्री में चौथे नंबर पे आती है, लार्ज कैप स्टॉक है। इसने हाल फिलहाल में ही डिविडेंड पे किया था 1.40 रुपए का। चलिए जानते हैं चार्ट पे के क्या लेवल पे खरीदना है, कौन से टेक्निकल अच्छे हैं, कौन से बुरे। चलिए देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे। अब हम टीवीएस मोटर के चार्ट पे आ गए। आप देखिए 2000 में एक बेहतरीन रैली दी थी, इधर कहीं हाई बना के बाद में गिरना इसने चालू किया। अभी एक गिरावट में दो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यह जो सपोर्ट लाइन है उसको भी इधर ही सपोर्ट ले रहा है। देखिए बार बार इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, ये दोनों टाइम सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया है। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन है और रेजिस्टेंस लाइन को छू के नीचे आ जाता है। ये रेजिस्टेंस लाइन देखो, इधर 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 सब बार इधर छू के नीचे आ गया है। अभी हाल फिलहाल में 470 के करीब ट्रेड कर रहा है। अभी जो इसका पहला सपोर्ट लाइन है वो 450 के पास है, वो हाल फिलहाल में इसने अभी टच किया था इसको। और जो इसकी दूसरी सपोर्ट लाइन है वो 414 के पास है। अगर ये सपोर्ट लाइन के पास आपको कहीं मिल जाए तो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 414 के तरफ। अभी क्या है, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले, अभी थोड़ा सा इलेक्शन के रिजल्ट खराब आए तो फिर आपको ये स्टॉक गिरा हुआ मिलेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट खराब आए इसलिए क्या है, जो ये स्टॉक जैसे नीचे ही आ जाएगा 414 के तरफ आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसके रिजल्ट के कारण। आप इसको ऊपर जाता हुए देख सकते हो, जब ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के एक ऊपर एक ग्रीन कैंडल, प्रॉपर ग्रीन कैंडल देगा, तब हम इसमें एक बुलिश लाइन के साइन मान सकते हैं। अब हमारा फाइनल कंक्लूजन ये स्टॉक पे है कि ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, लेकिन अभी क्या है, इलेक्शन सर पे है, तो अभी हम इलेक्शन के रिजल्ट आने की वेट करेंगे। अगर इलेक्शन के रिजल्ट में ये स्टॉक डाउन गया, अगर ये स्टॉक हमको ये 450 और 414 के ऊपर मिल सकता है तो हम क्यों अभी ले, तो अभी हम थोड़ा से इलेक्शन का वेट करेंगे। अगर रिजल्ट थोड़े से अच्छे नहीं आए तब हमें ये दो ट्रेंड लाइन के करीब मिलेगा, तब हम उठाएंगे। अगर आप अभी लेना चाहते हो तो बेहतरीन है, बेहतरीन लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अभी क्या, तो 2-3 दिन रुक जाते हैं, अभी देखते हैं क्या है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद प्रोसेस इसकी। अगर ये 450 और 414 के करीब हमको मिलता है कहीं, तो हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आपको भी किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है, किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, सो आपको एक पता चले उसके टेक्निकल, उसका फंडामेंटल। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।